अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सेठ, और कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, पर आप तो मेरी बात पर भरोसा करोगे ना? जानकी माँ जिंदा है, वो मेरे सपने में आई थी, वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। तुलसी, मेरा भी दिल यही कहता है कि जानकी जिंदा है। हाँ सेठ, और जानकी माँ ऐसे नहीं जा सकती है, उन्होंने मुझसे वादा किया था। तुलसी, हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत मतलब? तुलसी, प्रभु जैसे ही वापस आएंगे ना, एक बात बतानी है मुझे तुम दोनों को। हम तीनों की जिंदगी उसके बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक नई शुरुआत होगी हमारे लिए, फिर हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा बोला था उन्होंने। सेठ, आप रोइए मत, हम दोनों का दिल यही कह रहा है कि जानकी माँ वापस जरूर आएंगी, तो हमारे आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। चलो सेठ। चल, अच्छा हुआ तुलसी, तेरी जानकी माँ ने तेरे को सब कुछ नहीं बताया। सेठ, अब भी मेरे साथ बप्पा सेठ से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द हमें जानकी माँ से मिलवा दे। अरे यार, ये बाप बेटी फालतू में भगवान का टाइम खोटी कर रहे हैं। कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, तुम लोग की प्रार्थनाएं कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे वो, क्योंकि जानकी तो अब कभी वापस आ नहीं सकती ना। अरे कोई कुछ कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पता नहीं किसका बार बार ब्लैंक कॉल आ रहा है। अगर किसी को बात करनी है तो वो बात करे ना ऐसे। अरे आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप तो पहले से ही परेशान हैं। आप बस अपना ख्याल रखिए, वरना तुलसी के साथ साथ मुझे आपकी भी चिंता हो जाएगी। राकेश, जाकर रघुवीर को लेकर आ। जी माँ। भैया, माँ बुला रही है, पिंडदान करना है, आइए। हमें तो विश्वास है, लेकिन जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए तो करना पड़ेगा ना।
जानकी माँ, मैंने हम दोनों की अगले जन्म की एडवांस बुकिंग तो करा ली है पप्पा सेठ से, पर हमारी इस जन्म की कहानी तो अभी बाकी है। दुनिया चाहे जो कहे, मैं जानती हूँ आप वापस आओगी मेरे और सेठ के लिए। जानकी, इच्छिता को आग में तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि माँ की मन की शांति के लिए दिया। दुनिया चाहे जो भी मान ले, मैं कभी नहीं मान सकता कि तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो। फिर से फोन? हेलो, कौन बोल रहा है? तुलसी। जानकी माँ? तुलसी, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुलसी, तू सुन रही है ना? हाँ हाँ जानकी माँ, मैं सुन रही हूँ। अब कहाँ हो जानकी माँ? जानकी माँ, हेलो जानकी माँ, जानकी माँ, हेलो जानकी माँ। मुझे पता था जानकी माँ जिंदा है। किसका फोन था तुलसी? अगर मैंने बोला कि जानकी माँ का फोन था तो बड़ी सेठानी मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगी। ये बात मुझे सेठ को अकेले में बतानी होगी। तुझसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। बड़ी सेठानी, मैं हेलो हेलो कर रही थी पर सामने से किसी की आवाज नहीं आई। क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से कि नया ड्रामा शुरू हो गया। सुबह से जानकी भाभी की अंतिक्रिया की पूजा चल रही, उसे ना जाने कौन लैंडलाइन पे कॉल किए जा रहा है, किए जा रहा है। बेबी, मतलब सिर्फ कह रहा हूँ, जानकी भाभी तो नहीं फोन। बकवास कर रहे हो तुम। बेबी, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जानकी माँ ऐसे छुप छुप कर फोन क्यों कर रही है? उन्होंने सिर्फ मुझसे बात क्यों करी? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। देखो क्या लेकर आई हूँ मैं। तुलसी की फेवरेट टॉफीज है ये, कुछ मीठी और कुछ खट्टी टॉफीज। तुलसी, तू खा रही है या फिर मैं खोल के खा लूं? मैं खा रही हूँ, मैं पक्का खा लूंगी। खुल गई है देख। अरे बाप रे बाप, कजरी, क्या ऐसा हो सकता है? ये तो सच में हुआ है। ये तो तुलसी की जानकी माँ दिख रही है। जानकी माँ, जानकी माँ, जानकी माँ कहाँ है? जानकी माँ, जानकी माँ कहाँ हो? जानकी माँ, जानकी माँ कहाँ हो? तुलसी, जानकी माँ, तुलसी, बेटा मैं सिर्फ तेरा ध्यान भटका रहा था। कोई जानकी माँ नहीं है, कैसे हो सकती है वहाँ पे तेरी जानकी माँ? वो तो तेरे पापा सेठ के पास चली गई। नहीं बंटी भैया,
आपकी माँ जिंदा है और वो गुप्पा सेठ के पास नहीं गई है। तुलसी, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। हाँ कृष्ण दीदी, ऐसा ही है। आज सुबह जो लैंडलाइन पर बार बार फोन आ रहा था वो जानकी माँ का ही था। उन्होंने मुझे खुद बोला कि तुलसी मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।